मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। शुरुआत करते हैं ब्लेंडर की। देखिए, व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपिंग बॉर्डर। ये क्लिपिंग बॉर्डर क्या है, अल्ट के साथ में बी इसका शॉर्टकट है। अल्ट और बी दबाइए, जैसे ही दबाएंगे कुछ इस तरह से लाइनें आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर कंट्रोल के साथ में इनके ऊपर आप इस तरह से क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, बीच वाला बटन दबा के ऑर्बिट कर रहा हूँ कैमरे को, तब हमें बीच में कुछ ग्रे ग्रे लाइन्स नजर आ रही है, कुछ ऐसे रोशनी, डार्क रोशनी गिर रही है कुछ ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट के साथ में बी वापस दबा देता हूँ, क्लिपिंग मोड से बाहर निकल जाता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में डी दबा के डुप्लीकेट मैं यहाँ पर दो चार इस तरह से बना लेता हूँ। और कुछ मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ में ए दबाऊंगा, मेश के अंदर जाऊंगा और यूवी स्पेयर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यूवी स्पेयर भी कर लिया ऐड, इसकी भी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और एस दबा करके इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। क्लिपिंग बॉर्डर कहाँ पर काम आता है, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा काम कर रहे हैं तो टिपिकल काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, आप सेलेक्ट करें। मान लीजिए टिपिकल जो काम कर रहे हैं वो आपका यही यही मेस है, बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है यही है। आप क्या करें, अल्ट बी दबाएं और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर और बाहर का पता चल जाएगा कि मतलब इसके बराबर के अंदर यहाँ पर दूसरी जगह अगर कोई है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, बाहर की साइड में इस तरह से हटा देंगे। और अंदर जो आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आपके पास में ये जो क्यूब है इसको स्केल करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, तो ये इसके अंदर अंदर रहेगा, बाहर की चीजें हमें नहीं दिखेगी और आप आसानी से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर आप लाइन्स देख रहे हैं डार्क कलर के अंदर आ रही है उधर से, ये ग्रे कलर के अंदर, आप इनको चाहें तो सीधी भी कर सकते हैं एकदम। कैसे कर सकते हैं, देखिए अल्ट के साथ बी दबाऊंगा हट जाएगा वापस, और वापस मैं जाऊंगा फाइव दबा करके ऑर्थो मोड के अंदर, वन दबा करके मैं जाऊंगा इसके अंदर फ्रंट ऑर्थो के अंदर। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, थोड़ा साइड में कर देते हैं, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अल्ट के साथ में बी दबाऊंगा और यहाँ पर मैं इस तरह से इसके ऊपर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे सिलेक्ट करूंगा और वापस प्रोस्पेक्टिव मोड के अंदर आ जाऊंगा तो देखिए अब एकदम पैरेलल एक सीधी यहाँ पर रेखा के अंदर ये लाइन नजर आ रही है। और इस लाइन के अंदर क्या क्या आ गया है वो आप बाहर की साइड में हटा सकते हैं, अंदर की साइड में ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो अल्ट के साथ में भी दबा देता हूँ, इस मोड को इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बॉर्डर रेंडर। ये बॉर्डर रेंडर क्या है, देखिए व्यू के अंदर जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा बॉर्डर रेंडर बॉर्डर। अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ में बी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल अल्ट बी इसको क्लियर करने के लिए, तो कंट्रोल के साथ में बी शॉर्टकट है, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा व्यू। जीरो दबाएंगे तो ये कैमरे के अंदर भी इतना पार्ट आ रहा है, तो मैं जीरो दबा करके कैमरे से बाहर निकल जाता हूँ और मुझे ये चाहिए सब कुछ कैमरे के अंदर। कंट्रोल अल्ट के साथ में जीरो दबाऊंगा तो ये सब कैमरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल भी दबा करके इस तरह से इतना पार्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब F12 दबाऊंगा, जैसे ही F12 दबाऊंगा इतना सा पार्ट जो बीच में आपको दिख रहा है इतना ही रेंडर होगा, यानी कि ये रेंडर कितना हो उसके लिए बॉर्डर डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी बाहर की साइड में खाली नजर आ रहा है वो रेंडर नहीं हुआ है, इतना सा पार्ट ही रेंडर हुआ है। अगर कंट्रोल बी मैं वापस दबा करके इसको पूरी तरह से दोबारा डिफाइन करूँ, इतना पार्ट सिलेक्ट करूंगा फिर F12 दबाऊंगा तो इतना पार्ट यहाँ पर रेंडर होगा। तो जीरो दबा करके वापस कैमरे से बाहर निकल जाते हैं और वापस कैमरे के अंदर जो ये आ रहा है कंट्रोल अल्ट के साथ में बी दबाएंगे तो ये बॉर्डर रेंडर कैमरा वाला रेंडर बॉर्डर रेंडर चला जाएगा। तो रेंडर बॉर्डर है, इसको यहाँ से आप क्लिक करके भी यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में आगे है व्यू ग्लोबल या लोकल। ये जो आपका नंबर पैड है उसके ऊपर जो स्लैश है वो आप यहाँ पर भाग वाला चिन्ह भी कई बार इसको यूज लेते हैं नंबर लॉक के पास में, इसको आप ग्लोबल या लोकल का शॉर्टकट है क्लिक करेंगे। इसका क्या काम है, जैसे आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर बना चुके हैं मैस या मॉडलिंग के थ्रू आपने कई सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे ये दो मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ पर इस क्यूब को मान लीजिए सिलेक्ट कर रहे हैं और कीबोर्ड से वो स्लैश मैं दबा देता हूँ, तो जैसे ही आप दबाएंगे सिर्फ यही दिखेगी, बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली नजर आएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर निकल के आ गया। इसका फायदा ये है कि बाकी सब यहाँ पर हाइड हो जाएंगे और आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं, आपके काम की यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। वापस मैं वही दबाऊंगा तो सब दिख जाएंगे, कहीं गए नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर इस ऑप्शन का पता नहीं होता है, गलती से अगर इसके ऊपर चला गया, आप देखेंगे कि सारे के सारे कहाँ चले गए मैं इस ऑब्जेक्ट,
तो आपको पता नहीं हो तो आप वापस ये दबा दें अगर पता हो तो, जिससे सब के सब शो हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, एक से ज्यादा भी आप यूज में ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करें दोनों को और इसी को दबाएंगे तो दो के ऊपर आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। अच्छा, किसी को बाहर भेजना हो तो भेज भी सकते हैं। जैसे एम दबाएंगे, सिलेक्ट किया एम दबाएंगे, मूव आउट ऑफ लोकल एम सिलेक्ट करें, बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है मूव आउट ऑफ लोकल व्यू, एम दबा करके इस तरह से बाहर भेज सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद में। जैसे शिफ्ट के साथ में डी दबाया और एम दबाया, बाहर भेजना है। अब लोकल व्यू से बाहर निकल के ग्लोबल के अंदर आएंगे तो जो आपने यहाँ पर रखे थे वो सब यहाँ पर इसी तरह से आ गए। ये एक तरह से जो इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटर के अंदर आइसोलेशन मोड यूज लेते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, सेम वैसे यहाँ पर आइसोलेशन मोड की तरह है कि आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन है अगर आप व्यू के अंदर यहाँ पर जाएंगे, टॉगल कोड व्यू, कंट्रोल अल्ट क्यू इसका शॉर्टकट है। क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन जो है वो करीब चार भागों में नजर आएगी। एक ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पर व्यू देख रहे हैं, यूजर प्रोस्पेक्टिव व्यू है, और दो तीन ऑर्थो व्यू आपको नजर आएंगे, राइट फ्रंट टॉप। यहाँ पर आपको इस तरह से पता चल जाएगा नीचे की साइड में लेंगे लेफ्ट साइड में रहेंगे तो वो फिर राइट साइड के अंदर किस तरह से नजर आ रहा है, टॉप के अंदर से इस तरह से आप इनके अंदर यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए इसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ से नम पैड की साइड से वो स्लैश दबाऊंगा तो यहाँ पर लोकल व्यू के अंदर आ गया, तो टॉप और तो लोकल सब के अंदर लोकल लोकल नाम आ रहा है। अगर लोकल होगा तो नाम आएगा ऑब्जेक्ट का, यहाँ ग्लोबल का नाम नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कंट्रोल के साथ में अगर होम की आप दबा देंगे तो पूरी पूरी यहाँ पर आ जाएगी अगर नजर नहीं आ रही है तो। वापस निकलने के लिए इसके अंदर आप कंट्रोल अल्ट और क्यू दबाएंगे, जैसे कंट्रोल अल्ट क्यू दबाएंगे तो आप वापस निकल जाएंगे और लोकल से ग्लोबल में आने के लिए वो इसमें दबा देता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन जो आप अगर एन दबाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टीज एन यहाँ पर है। एन दबा कर प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर भी ये ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर टॉगल क्वाड व्यू का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं इस तरह से टॉगल क्वाड व्यू आ गया। अब ग्रिड फ्लोर आपको देखना है नहीं देखना है, इस तरह के कई सारे ऑप्शन है। वापस क्लिक करेंगे तो इससे बाहर निकल जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आप ये वीडियो देखने के बाद में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।